लिखा, ये आपको यहां पर बता रहे हैं। लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ जनता में राष्ट्रीयता को बोध कराने वाले संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 134वें स्थापना दिवस पर मैं आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप कांग्रेस के बहुआयामी उद्देश्यों को सदैव सहयोग करेंगे। तो सचिन पायलट का ये ट्वीट सामने आया है कांग्रेस के स्थापना दिवस को लेकर, जब कांग्रेस अपने स्थापना दिवस को बेहद शानदार तरीके से मना रही है। तो कहीं केक काटकर, कहीं मुलाकात, कहीं दिग्गजों का जमावड़ा, समारोह का बड़े स्तर पर आयोजन, गहलोत से मुलाकात भी लगातार चल रही है। ट्वीट इससे पहले हमने अशोक गहलोत का आपको दिखाया और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी। तो सचिन पायलट की शुभकामनाएं यहां पर ट्वीट के जरिए आई। दरअसल जिस तरह से हैश कांग्रेस फाउंडेशन ऑन डे लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ जनता में राष्ट्रीयता का बोध कराने वाले भारतीय संगठन राष्ट्रीय कांग्रेस के 134वें स्थापना दिवस पर मैं आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आगे उन्होंने लिखा कि आशा करता हूं कि आप कांग्रेस के बहुआयामी उद्देश्यों को सदैव सहयोग करेंगे। सचिन पायलट का ये ट्वीट सामने आया। कहा जा सकता है नई जिम्मेदारी के साथ अब राजस्थान आगे भविष्य के निर्माण में चल पड़ा है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो उठापटक खींचतान जरूर देखने को मिली, लेकिन अब सभी के कंधों में अपनी अपनी जिम्मेदारी है राजस्थान को और ज्यादा मजबूत करने की। और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी स्थापना दिवस मनाया गया। पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। तस्वीर आपके सामने है। तो एक तरफ दिल्ली की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि किस शानदार तरीके से कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं जयपुर की ये तस्वीर जहां पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने ध्वजारोहण कर वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में कांग्रेस स्थापना दिवस को यहां पर सेलिब्रेट किया। दरअसल कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस आज है और इसे बेहद शानदार तरीके से मनाया जा रहा है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में शानदार जीत पार्टी ने अपने बलबूते हासिल की है। तो जयपुर की ये तस्वीर, एक तरफ अशोक गहलोत दिल्ली में मौजूद है, वहां उन्होंने कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट भी कांग्रेस स्थापना दिवस मनाते नजर आए। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है और देश भर के समूचे कांग्रेस के परिवार के लोगों को और देशवासियों को मैं शुभकामना देना चाहता हूं। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब देश में क्या परिस्थिति थी हम सब जानते हैं और दुनिया में ऐसे बहुत कम दल हैं जो 130-135 साल जनता की सेवा करने के लिए उनको सौभाग्य मिला है। और कांग्रेस पार्टी आज के दिन पुनः संकल्प लेती है कि हम जिस स्थिति में भी रहें, सत्ता पक्ष में हों या विपक्ष में हों, हम लोग जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। और आज तीन राज्यों में जो सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, इसके लिए मैं कांग्रेस के नेतृत्व को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस आक्रमणता से उन्होंने भाजपा की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है, जो चुनौतीपूर्ण सवाल पूछे हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री जी और भाजपा दे नहीं पाए, जनता ने वह जवाब दिया है और शानदार जीत तीनों राज्य में हुई है। ये आने वाले समय का संकेत भी है कि 2019 में जब चुनाव होंगे लोकसभा के, तो जनता पूरा हिसाब किताब सूच समेत लेगी और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार देश भर में बनेगी। आज के स्थापना दिवस पर हम लोगों ने जो जिम्मेदारी हमको मिली है कांग्रेस के लोगों को सरकार बनाने की, तो सरकार बनाने के साथ साथ हम लोगों का दुगना दायित्व बन जाता है कि जो घमंड और अहंकार की सरकार यहाँ पहले थी उसको जनता ने हटाया है और एक संवेदनशील सरकार जो संवाद के माध्यम से, विनम्रता से जनता के काम कर सके, नौजवानों, किसानों के चेहरों पर दोबारा खुशियाँ लौट सकें, इस प्रकार का काम हमारी सरकार करने वाली है। और कांग्रेस के स्थापना दिवस के इस मौके पर प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। कर्मचारियों के भी सुझाव आमंत्रित करेंगे, यदि कहीं मीटिंग है कोई कर्मचारी ये कहता है कि हम ज्यादा अच्छा सुझाव दे सकते हैं अधिकारियों से, तो खुला दरबार है। यदि कोई प्रेस के लोग, वकील या कोई भी एडवाइजर के रूप में यदि कहे सरकार की मदद करना चाहते हैं, उसके सुझाव आमंत्रित है, लगता है कि ये डिपार्टमेंट डाउन हो रहा है, हम इसको उठाने के लिए ये हमारा सुझाव है, लिखित में सुझाव देना चाहते हैं, हम ऐसे आदमी का सम्मान नाम लेकर प्रेस में, मीडिया में सम्मानित भी करेंगे कोई यदि रिवाइवल प्लान लाता है, क्योंकि स्टेट का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इन्होंने कॉलेप्स कर दिया। अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, तो मुझे भरोसा है कि हम फाइनेंशियल सिस्टम जो इन्होंने ड्रॉप किया है, सिस्टम बिगाड़ दिया, आते ही कमी निकालना उतना आसान है। विपक्ष में है बीजेपी, उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है राजस्थान के हित में, उनको
अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए थी, बयान आना चाहिए था, वो बयान तो आया नहीं। जैसे ही किसानों के कर्जे माफ हुए पेट में दर्द शुरू हो गया। हमारा प्रॉमिस था, इसलिए किसानों के कर्जे माफ किए गए। राहुल गांधी जी का जो आदेश था उस पर राहुल गांधी जी ने पहले घोषणा कर दी थी, अब आपको काम नजर आएगा। और हम आपको भरोसा देते हैं, हम जनता के बीच में खड़े होकर जनता का काम करेंगे, सबकी भावनाओं के अनुसार सबका काम होगा, सबका सम्मान होगा, सबके सपने पूरे होंगे। तो कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस है, तमाम दिग्गज अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहां पर जाहिर कर रहे हैं। सीपी जोशी ने भी क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। पब्लिक सेक्टर जब तक यहाँ नहीं आएगा, मैन्युफैक्चर सेक्टर नहीं बढ़ेगा, तब तक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं बढ़ेगी। तो सरकार की आवश्यकता है कि हम कैसे इंसेंटिव दें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पर आए, जिससे लोगों को रोजगार की संभावना आगे बढ़े। तीसरा, जो मोटे तौर पर मैं समझता हूँ कि आज गाँव में जो टेक्निकल मैन पावर की आवश्यकता है, ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ नौजवान के पास मोबाइल नहीं है, किसान के पास इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है या मोटरसाइकिल अवेलेबल नहीं है। आज उन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए हमें जो स्कूल ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, उनको टेक्निकल एजुकेशन में डाइवर्ट करना पड़ेगा। मियरली बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट जनरेशन के निकल रहे हैं, वो न नौकरी कर पा रहे हैं और न टेक्निकल एजुकेशन ले पा रहे हैं। तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, हम कैसे टेक्निकल एजुकेशन उनके साथ इम्पार्ट करें जिससे वो सेल्फ सस्टेन होकर खड़े हो सकें। तो मैं समझता हूँ कि मोटे रूप में नौजवानों की जो एस्पिरेशन है उसको एड्रेस करना सबसे बड़ी चुनौती है।